नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी की भर्ती के बारे में। तो ये भर्ती किस स्टेट के लिए है, कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, उसके बारे में दोस्तों इसमें कौन कौन से पदों पर भर्ती होने वाली है, इस वीडियो में आपके लिए पूरी बात बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली हुई है। उनके लिए आपको एज लिमिट, हाइट, पेट, चेस्ट और एजुकेशन QR क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों, सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए आपकी जो एज लिमिट होगी वो 17.5 साल से 21 साल तक होगी, मतलब 17.6 महीने से अगर आपकी एज 21 साल के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ आपकी 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 50 kg और आपका जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके पास में दोस्तों ओनली 10th pass आपको होना जरूरी है, लेकिन 10th में आपके 45% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और दोस्तों किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपके पास में 33 मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में अगर आप ग्रेडिंग सिस्टम से पास हुए हैं दोस्तों, आपके बोर्ड में ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है, तो आपके पास में मिनिमम डी ग्रेड होना अनिवार्य है, ठीक है, और किसी भी सिंगल सब्जेक्ट में आपका C2 ग्रेड से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों बात हो गई ये सोल्जर GD की। अब बात कर लेते हैं हम सोल्जर टेक्निकल की। तो सोल्जर टेक्निकल के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 17.5 साल से 23 साल तक होगी। तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। आपकी जो हाइट होगी दोस्तों वो 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg और आपके जो चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। उसके बाद में आपको इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए इंटरमीडिएट पास होना जरूरी है और आपके पास में जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ एंड इंग्लिश होना जरूरी है। अगर आपके पास में 12th में मतलब इंटरमीडिएट में ये 4 सब्जेक्ट नहीं है तो आप इस भर्ती में सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप इंटर पास हैं और आपके पास में ये 4 सब्जेक्ट हैं और आपके मार्क्स 50% मार्क्स आपने इंटरमीडिएट में लिए हैं, मतलब आपका जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो 50 मार्क्स या फिर उससे ऊपर आपके उसके नंबर आए हैं और किसी भी सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स से कम नहीं है तो आप सोल्जर टेक्निकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ट्रेड्समैन की भी भर्ती निकली हुई है और ट्रेड्समैन की यहाँ पे दोनों के लिए भर्ती निकली है, मतलब 8th pass और 10th pass के लिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 10th pass वालों की। सोल्जर ट्रेड्समैन 10th pass, आपके लिए मैं एक बार बता दूं कि आर्मी में 8th pass और 10th pass दोनों ही क्लास के ट्रेड्समैन की भर्ती होती है, लेकिन दोस्तों जो इसमें ट्रेड्स होती है उसमें ओनली 2 ट्रेड, मतलब हाउसकीपर और मैथकीपर, ये 2 ट्रेड ऐसी होती है जिनमें 8th pass के लिए लिया जाता है। बाकी की जो ट्रेड्स हैं स्टेवर्ड्स, चेफ, आर्टिसियन, ठीक है, उसके बाद में वॉशरमैन, ड्रेसर, टेलर एंड सपोर्ट स्टाफ, ये जो भर्ती ट्रेड्स हैं दोस्तों इसके लिए आपको 10th pass होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं पहले 10th pass वाले ट्रेड्समैन की। तो 10th pass के लिए आपको जो ट्रेड्समैन की भर्ती देखना है अगर, तो आपकी एज लिमिट 17.5 साल से 23 साल के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 48 kg और आपकी जो मतलब चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना जरूरी है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं +5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन, इसका मतलब है दोस्तों कि आपको जो आपका नॉर्मल चेस्ट होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर और उसके बाद में आपको एक्सपेंशन यानी कि सीने में सांस भर के 5 सेंटीमीटर तक आपको चेस्ट के लिए अपना फुलाना है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपके लिए सिंपल 10th pass होना जरूरी है, लेकिन
आपके किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, ये होगी दोस्तों सोल्जर ट्रेड्समैन 10th पास की बात। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सोल्जर ट्रेड्समैन 8th पास, मतलब अगर आप 8वीं क्लास पास हैं तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन जो आपकी एज लिमिट होगी वो 17.5 साल से 23 साल तक होगी। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अक्टूबर 1997 से 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना जरूरी है। हाइट आपकी 170 सेंटीमीटर, वेट आपका 48 kg और आपकी जो चेस्ट है वो 76 सेंटीमीटर होना जरूरी है। इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको 8th पास होना जरूरी है, और लेकिन 8th क्लास में आपके मतलब 8वीं क्लास में किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए तो आप इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों ये 8th पास की जो भर्ती है मतलब 8वीं क्लास पास की, उसमें केवल 2 ट्रेड्स के लिए भर्ती है यहाँ पर, हाउसकीपर और मेसकीपर। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों इस भर्ती में जो फिजिकल लिया जाएगा हम उसकी बात कर लेते हैं। तो फिजिकल की डिटेल बताने के लिए मैं आपको नीचे लेके चलता हूं यहाँ पे। ये है दोस्तों आपके फिजिकल की फुल डिटेल। तो आपके जो आर्मी में फिजिकल होता है उसमें 1.6 किलोमीटर रनिंग, उसके बाद में बीम, 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस, ये 4 टेस्ट आपके लिए जाते हैं। तो 1600 मीटर की जो रनिंग है उसके लिए आपको 5 मिनट 45 सेकंड का मैक्सिमम टाइम मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी 1600 मीटर की रेस 5 मिनट 30 सेकंड या उससे पहले पूरी कर लेते हैं तो आपके लिए जो मार्क्स मिलते हैं वो 60 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर आप ग्रुप सेकंड में आते हैं मतलब 5 मिनट 31 सेकंड से 5 मिनट 45 सेकंड तक अपनी रेस को पूरी करते हैं तो आपके लिए 48 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ये 2 ग्रुप हो गए, जिसमें फर्स्ट ग्रुप में अगर आप आएंगे तो आपको 60 मार्क्स और अगर आप सेकंड ग्रुप में आएंगे तो आपको 48 मार्क्स दिए जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों बीम लगवाए जाएंगे आपसे, अगर आप 10 बीम लगाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, 9 बीम लगाएंगे तो आपको 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 बीम लगाते हैं तो आपको 27 यानी कि 27 मार्क्स दिए जाएंगे, 7 में 21 और 6 बीम अगर आप लगाएंगे तो 16 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर 10 बीम के लिए 40 मार्क्स दिए जरूर जा रहे हैं, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आर्मी में 10 बीम लिए जाते हैं, अगर आप 6 बीम भी लगाएंगे तब भी आप बीम में पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद 9 फीट डिच और जिगजैग बैलेंस में आपको ओनली नीड टू क्वालिफाई करना जरूरी होता है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स नहीं दिया जाता है। तो कौन कौन सी ट्रेड पर भर्ती है और इनकी जो फिजिकल डिटेल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अब आपके लिए दोस्तों बताने का समय आ गया है कि ये जो भर्ती है उसके ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होंगे और ये भर्ती किस किस स्टेट के लिए और किस किस डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो दोस्तों ये जो भर्ती निकाली गई है वो ARO झुंझुनू की तरफ से निकाली गई है और यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 अगस्त 2020 यानी कि कल से, आज है दोस्तों 7 अगस्त 2020, इसके जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 अगस्त 2020 से 22 सितंबर 2020 के बीच में स्टार्ट हो जाएंगे। तो कल से आप इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ये भर्ती है जो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है। तो ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स ऑफ चुरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अगर आप इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू ARO की दोस्तों जो है वो भर्ती निकल चुकी है और उसके बारे में मैंने आपके लिए पूरी डिटेल अभी दी। ठीक है, और आपकी जो भर्ती का दोस्तों स्थान होगा कि आपकी जो भर्ती होनी कहाँ पर है वो आपके लिए आपके एडमिट कार्ड पे बता दिया जाएगा। जब आपके एडमिट कार्ड निकलेंगे तो आपके लिए जो भर्ती के पूरी डिटेल होगी वो आपके लिए आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में आपको अपने ऑनलाइन आवेदन जरूर करना है। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो दोस्तों इन दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाकर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। मैं दोस्तों गारंटी देता हूँ मैंने उन वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप इतनी अच्छी तरह से बताया है कि अगर आप वो वीडियो को देख लेते हैं तो आप अपना जो ऑनलाइन आवेदन है वो घर बैठे अपने मोबाइल से ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों हमारे YouTube चैनल सेवा ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।